सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो है ये बैंगन की नर्सरी के ऊपर है कि हम बैंगन की नर्सरी है वो कैसे काश्त कर सकते हैं। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम जो बैंगन की नर्सरी है वो कैसे काश्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वीवर हमने बीज की सिलेक्शन करनी है कि हमने सीड कौन सा लगाना है। आप वीवर जो भी कौन सी हाइब्रिड जो कोई भी आपको किस्म मिलती है वो आप हाइब्रिड जो किस्म है वो आप कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक वैरायटीज ऐसी हैं जो मेरे इलम में है, मैं आपको बता देता हूँ। जिनमें सुंदर काला ये लंबी किस्म है, इसके अलावा नराला बेमिसाल, ये वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि यानी कि ना लंबे बैंगन की जो लबूतरे के अंदर जो है आती हैं। इसके अलावा देलनशी और जनक, ये दो वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि गोल बैंगन की किस्मों में आती हैं। तो ये सारी वैरायटियाँ अच्छी हैं, ये तो किस्में हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई अच्छी वैरायटी आपके इलम में हो कि वो आप लगा सकते हैं। तो इसके अलावा आप अब हम देखते हैं कि हमने इसकी नर्सरी को कैसे काश्त करनी है और इसका सीड कितना हमें दरकार होगा। सबसे पहले व्यूअर, आपने जहाँ कहीं भी इसकी नर्सरी लगानी है तो आपकी जगह जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाए तो उसका पानी आप जो है वो निकाल सकें। तो आपने सबसे पहले जगह का इंतखाब ऊंची जगह का रखना है कि जो जहाँ कहीं भी आप नर्सरी लगे तो वो जगह ऊंची हो, उसको अच्छे तरीके से बरी करके अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर घास वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से उसको आप तैयार कर लें। उसके लिए जो आपको नर्सरी के लिए आपको जो जगह दरकार होगी वो तकरीबन को 4 से 5 मरला आपको जगह दरकार होगी और जो 1 एकड़ के अंदर प्लांट्स लगेंगे आपके वो तकरीबन को 10,000 प्लांट्स जो है आपने 1 एकड़ के अंदर लगाना है। तो इसके लिए जो आपको सीड दरकार होगा वो तकरीबन को 250 ग्राम आपको सीड दरकार होगा, यानी कि 1 पाव जबकि 1 केजी का चौथा हिस्सा 250 ग्राम आपको सीड दरकार होगा। ये जो वैराइटीज मैंने आपको बताई है ये वाले ले लें, या कि आप कोई और अगर बेहतरीन हाइब्रिड किस्म की जो है ना आपको इलम में हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमने सीड भी देख लिया कि हमने सीड कितना दरकार होगा, 4 से 5 मल्ला इसके लिए आपको जो जगह दरकार होगी। आपने इसको लगाना कैसे है विवर, आपने जब मरबा नमा क्यारियाँ जो है वो आप इसकी बना लें, उसके उसको क्यारियाँ जब आपने बना लें तो उसको आपने 10 सेंटीमीटर के फासले पर यानी कि एक रो से दूसरी रो के दरमियान लाइनों में आपने 10 सेंटीमीटर एक रो टू दूसरी रो के दरमियान जो फासला 10 सेंटीमीटर रख के और जो एक जो उसके आपने बीज को गहराई में ले जाना है वो तकरीबन कोई 0.5 सेंटीमीटर वो आपने नीचे गाड़ के ऊपर हल्की हल्की किसी चीज़ की भल की या किसी चीज़ की वो आपने तय दे देनी है ताकि वो बीज जो है जर्मिनेट आसानी से हो जाए। तो इस तरीके से आपने सीड को कास्ट कर लेना है। सीड को कास्ट जो करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि कॉन्फिडोर जो एक जहर होता है उससे आप बीज को जहर कुछ जो है आप इसको बीज को जो है वो आप लगा लें ताकि इससे जो वो कई ऐसी जो इब्तदाई बीमारियां होती हैं उससे आपका बीज महफूज रहेगा। तो वो जो कॉन्फिडोर होगा वो आपने 2 ग्राम/किलोग्राम के हिसाब से आपने अपने वो सीड को जो है जहर कुछ कर लेना है, उसके हिसाब आप जो है आपने इसको कास्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो नर्सरी होगी उसका कास्ट मुकम्मल हो जाएगा। जब आपने इस तरीके से कास्ट कर ली तो उसके ऊपर आपने उसका पानी दे देना है। अभी चूंकि सर्दी है तो आपने उसको पानी दे के ऊपर से शॉपर से ढांप देना है ताकि वो शॉपर जो है आपने अभी नया वाला इस्तेमाल करना है ताकि जब वो उसकी शॉपर को हिद्दत पड़ेगी तो जबकि जब उसको हीट पड़ेगी तो जो पनीरी की नर्सरी की जो जर्मिनेशन होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो आपने मरबा नमा क्यारियों को बना के दोनों साइडों पे इस तरीके से ऊपर सोटी का बांस की जो सोटी वो ले लें या कोई एंगल ले लें सरिये का, उससे आपने यानी कि एंगल लगा के ऊपर शॉपर दे देना, शॉपर देकर आपने मुकम्मल उसको कवर कर ढांप देना बिल्कुल ताकि उसके अंदर हीट वगैरह उसके मौजूद रहे और जो आपकी जर्मिनेशन हो जाए। जब आपकी बीज की जर्मिनेशन हो जाए तो आपने वक्तन फ़क्तन उसको देते रहना है। जब जर्मिनेशन हो जाए तो उसका अगर उसको पानी की ज़रूरत हो तो हल्का फुल्का उसको पानी भी दे। जब आपकी नर्सरी तकरीबन को 30 से 35 दिन के अंदर आपकी नर्सरी ये रेडी हो जाएगी और आगे शिफ्टिंग के लिए काबिल अमल होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है व्यूअर्स आज के लिए मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज़।